الأجل مهدى مهدى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على رسول الصقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़ व वहम अकबर मिन इहिम मोहतरन सामिन और नाजरन आज हम जिस मौजू से मुतल गुफ्तगू करने जा रहे हैं वह है जुआ गैम्बलिंग जुए के मुतालिक परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब ए मेरे रसूल ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि शराब और जुआ दोनों बहुत बड़ा गुनाह हैं इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए मगर इसका गुनाह इसके फ़ायदों से ज़्यादा बड़ा है तो शराब और जुआ दोनों के बारे में परवरदिगार आलम ने साफ़ तौर पर ऐलान कर दिया कि ये गुनाह है अब शराब और जुआ दोनों के बारे में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसमन कबीर बड़ा गुनाह जबकि अरबी ज़बान में गुनाह के लिए एक दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है ज़म्ब के माने भी गुनाह है और इसम के माने भी अलिफ़ से मीम इसम इसम के माने भी गुनाह है मगर दोनों में फ़र्क है थोड़ा इसम उस गुनाह को कहते हैं कि जिसमें इंसान अगर एक बार मुलविस हो जाता है तो फिर उस गुनाह के खतरनाक असरात इंसान की पूरी ज़िंदगी पर पड़ते रहते हैं और फिर इंसान नेकी की तरफ जाने का इरादा नहीं करता शत हासिल नहीं कर सकता ऐसे गुनाह को इसम कहा जाता है तो शराब भी इसम है और जुआ खेलना भी इसम है दोनों बिल्कुल एक जैसे गुना हैं अब मैं अर्ज़ करता चलूं कि जैसे शराब गुना वैसे ही उसी तरीके का गुना जुआ है शराब आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि एक इंसान है कि जिसने शराब पी तो अब सिर्फ ये नहीं कि शराब पी लिए और उसकी बात ख़त्म हो गई गुनाह और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और इंसान और दूसरे गुनाहों में मुलविस होता चला जाता है इंसान ने शराब पी अक्ल ख़त्म हो गई जायल कर दी शराब ने फिर उसके बाद इंसान जब अपने घर में आया शराब पी कर गाली गलोच लड़ाई झगड़ा और उसके बाद जो है इंसान कत्ल गारत गिरी पर भी उतर जाता है यानी गुना एक के बाद दूसरा गुनाह इंसान की ज़िंदगी में आता चला जाता है और बाद औकात इंसान शराब के नशे में इंसान का क़त्ल भी कर देता है बिल्कुल इसी तरह का गुनाह जुआ भी है जैसे आप मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि एक इंसान जुआ खेलने का आदि हो गया तो अब शुरू में उसको दो सूरतों में से एक सूरत पेश आएगी या तो पहले ही लम्हे वो जुआ हार जाएगा अपनी दौलत हार जाएगा अब जब हार जाएगा तो ये दौलत का ज़िया समझा जाएगा यानी इसराफ़ बिला वजह आपने अपनी दौलत ज़ाया कर दी इसराफ ये भी एक गुना है लेकिन अगर जीत गया तो फिर इंसान को और ज़्यादा माल हासिल करने की लालच पैदा हो जाएगी ये भी गुना है अब जब लालच पैदा हो जाएगी फिर दोबारा इंसान जुआ खेलेगा और जब हार जाएगा तो फिर जो सामने वाला जीत रहा है इसकी पै इसके पैसे तो उससे इसको अदावत और दुश्मनी होने लगेगी गाली गलोच पर बात जाएगी मारपीट पर बात जाएगी और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान या तो सामने वाले का कत्ल कर देता है या खुद खुदकुशी कर लेता है अपना ही मर्डर कर देता है और बाद अवत ऐसा भी देखा गया है कि जुआ जिसको जुए की लत लग जाती है जो जुए का आदि हो जाता है तो वो बाज़ अव अपने नामूस को भी दांव पर लगा देता है बहुत सी बार देखा गया है कि इंसान अपनी बेटी को जुए में हार जाता है अपनी बीवी को जुए में हार जाता है तो ये ऐसी लत है कि जो एक गुनाह के ऊपर ख़त्म नहीं होती बल्कि बहुत सारे गुनाह में इंसान को मुलव कर लेती है जुए के बारे में हम गुफ्तु करेंगे और कौन कौन से खेल जुआ हैं तो इसके बारे में हम आगे चल, चल इन शुतगु करेंगे अभी इतना बताते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि आपसे लोग सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में तो आप कह दीजिए कि इसमें बहुत बड़ा गुना है तो जुए को कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जुए के लिए वो है मैसर मैसर असल में यूसर से बना है यूसर का मतलब है आसानी क्योंकि जब इंसान जुआ खेलता है तो उसे दौलत आसानी के साथ हासिल हो जाती है इसलिए इसको मैसर कहा गया है अब बात करते हैं कि जुए का गुनाह तो बहुत बड़ा है मगर और इसके क्या क्या नुकसान हैं तो परवरदिगार आलम ने दूसरे मुक़ाम पर इशात फरमाया इन नमल ख़मरों वमैसर वलानसाब वल अजलाम बिन अमल शैतान फ़ज त नबूल बेशक शराब जुआ और बुतों की पूजा करना और पांसेबाजी करना ये सब रिज्स है ये सब शैतानी अमल है इनसे दूर रहो इनसे बचो अगर शायद कि तुम फलाह पा जाओ शायद के तुम कामयाब हो जाओ तो शराब और जुआ दोनों ही को परवरदिगार आलम ने रिज़ बताया है गंदगी बताया है शैतानी अमल बताया है लिहाज़ा जब इतना हमें मालूम हो जाता है कि शैतान शराब और जुआ दोनों रिट्स हैं तो अब जो शीन अहलबैत हैं, वो ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि अगर हम शराब पिएँ या जुआ खेलें तो फिर हम किस कदर रिट्स में शामिल हो जाएंगे और अगर रिट्स में शामिल हो गए तो फिर हमारे दिल में मोहब्बत अहलबैत दाखिल नहीं हो सकती क्यों इसलिए कि आलम ने अहलबैत के लिए फ़रमाया है कि रिट्स इनके करीब नहीं जा सकता तो अगर हम रिच्स में मुलविस रहेंगे तो हम भी अहले बैत के नज़दीक नहीं हो सकते हैं फिर दूसरे मुकाम पर इर्शाद फरमाया आलम ने कि किमां यदैतानो क्या बे नकम अदावत वबगज़ा फ़िलखमर वमसर कि शैतान चाहता ये है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बग्ज पैदा करें व यसुद्दकुम अन ज़िक्र और तुम्हें याद ख़ुदा से और नमाज से दूर कर दे तो यहाँ पर शराब और जुए का जो नुक़सान है वो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है कि शैतानी अमल है और शैतान इसके ज़रिए से चाहता क्या है कि इंसान नमाज से दूर हो जाए याद खुदा से दूर हो जाए इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए एक दूसरे के दिल में पैदा कर देता है लिहाजा ये सब के सब नुकसान हैं कि जो जुए के हैं और शराब के अब बात करते हैं कि जुआ असल में कहते किसे हैं किस खेल को जुआ कहते हैं और अदीस में जुए के मुतालिक क्या क्या बयान किया गया है तो देखिए मैं आसान करने के लिए अपने बच्चों और अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए तकसीम बंदी करता हूँ कि जिससे बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि कौन से खेल जुआ में शामिल होते हैं और किन खेलों का खेलना जायज़ है और किन का हराम है देखिए सबसे पहले तकसीम होती है इस तरह से कि वो खेल के जो आला जुआ से खेले जाते हैं वो मुतलकन हराम हैं तमाम और मुश्तन सब इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि जो जुए के आलात से खेल खेले जाते हैं उनका खेलना हराम है फिर वो खेल हैं कि जो जुए के आलात से नहीं खेले जाते बग़ैर जुए के आलात के यानी किसी और आले के ज़रिए से किसी और टूल्स के ज़रिए से वो गेम खेले जाते हैं जुए के आलात से जो गेम खेले जाते हैं वो मुतलकन हराम हैं लेकिन ख़ुद फिर तकसीम होती है इस बात की तरफ कि जुए के आलात का इस्तेमाल करना बग़ैर शर्त के भी अगर कोई इंसान तफरीहन जुए के आलात से खेल रहा है टाइम पास करने के लिए खेल रहा है कोई शर्त उसमें नहीं लगाई गई है तो वो कहते हैं कि ये बग़ैर शर्त के जुए के आलात से खेलना भी हराम करार दिया गया है रही बात ये कि जो खेल खेले जाते हैं जुए के आलात के अलावा दूसरे आलात के ज़रिए से अगर उन आला के ज़रिए से खेल शर्त के साथ खेला जा रहा है तो फिर ये हराम है मतलब हराम है सब के नज़दीक हराम है लेकिन अगर ये खेल बग़ैर शर्त के खेला जा रहा है तो फिर इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कुछ अमा का इस बात पर नज़रिया है कि ऐसे आलात से बग़ैर शर्त के खेलना जायज़ है और कुछ अलमा कहते हैं कि इन आलात से भी बगैर शर्त के खेलना नाजायज़ है इनसे भी नहीं खेल सकते इसमें भी गुनाह है अब इसी तरीके से बात करेंगे हम कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वो खेल कि जो आलाते जुआ से खेले जाते हैं गैम्बलिंग टूल्स के ज़रिए से जो खेल खेले जाते हैं जैसे शतरंज हुआ जैसे बेगमोन हुआ ये वो हैं कि जो मुतलकन हराम हैं आप चाहे इन टूल्स के साथ शर्त लगा कर खेले या बग़ैर शर्त के खेलें ये सब हराम हैं उसके अलावा दूसरे और गेम्स हैं डोमिनो और इसके अलावा इसी तरीके से बहुत से गेम ये इन में उलमा का यही इतफाक़ है ये भी एहतियात वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है हराम है शतरंज के लिए के जो जिसको जुए में शुमार किया गया है शतरंज उसके लिए कितने सख्त अल्फाज रवायत में इस्तेमाल किए गए हैं आप समझ सकते हैं कि शतरंज का खेलना कुफ्र शतरंज बेचना वो भी हराम शतरंज बेच कर जो पैसा आपने हासिल किया उस पैसे को खाना उसके ज़रिए से खाना खाना वो भी हराम है शतरंज के ज़रिए से अगर आपने कुछ पैसा हासिल किया है तो उस पर आपका कोई हक नहीं है आप उसके मालिक नहीं बनते हैं उसको आपको वापस लौटा देना वाजिब होता है शतरंज की तरफ देखना अगर इतफाक़ से देख लिया जाए तो हदीस में आया है कि अगर इतफ़ाका शतरंज पर निगाह पड़ जाए गुजरते हुए निगाह पड़ जाए तो फिर फ़ौरन इंसान के लिए मुस्तहब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करें और यज़ीद मलून पर लानत करें इतना बड़ा गुनाह है तो अगर हम उसको खेलें तो फिर जाहिर सी बात है कि हम अल्लाह की निगाह में कितने मकजूब हो जाएंगे यानी शैतान का खेल है ये जब शैतान इसे खिलाता है तो शैतान तो राज़ी होता है मगर रहमान नाराज़ हो जाता है शतरंज पे अगर नज़र पड़ जाए तो मुस्तैब है कि इमाम हुसैन आलाम को याद करें क्यों इसलिए कि रवायत में है फ़जल बिन शाहजान की रवायत है कि इमाम हुसैन आल्लम का सर जब दरबारी यजीद में पहुँचा तो यजीद ने इमाम हुसैन के सर को देखने के बाद कुछ हुक्म सादिर किया तो थोड़ी देर के बाद जो है उसके सामने दस्तरखान बिछा दिया गया खाना चुन दिया गया यजीद ने खाना खाना शुरू किया खाने का दस्तरखान हटा लिया गया फिर उसके बाद शतरंज को लाया गया और शतरंज को लाने के बाद ये और उसके हमनवा शतरंज खेलने में मसरूफ़ हो गए उसके बाद उसने हुक्म दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को उसके तख़्त के नीचे रख दिया जाए इमाम हुसैन का सर तख़्त यजीद के नीचे रखा गया फिर उसके बाद इसने शतरंज खेलना शुरू किया ये जब मलून जीत जाता था तो सामने रखे हुए गिलास को उठाता था, था जिसमें शराब थी शराब की दो तीन चस्कियाँ मारता था और उसके बाद हंसता था अहल बैत का मज़ाक़ उड़ाता था और उस प्याले में जो शराब बच जाती थी वो सरे इमाम हुसैन पर उंडेल देता था इसलिए कहा गया है कि चूँकि दुश्मन बैत का ये खेल है और अगर इस पर निगाह पड़ जाए तो इमाम हुसैन आलाम को याद किया जाए और यजीद पर लानत की जाए अब बात करते हैं कि जुआ के जो अगर हम खेलें उसके आलात से तो हराम है अगर इसके अलावा किसी दूसरे आलात के ज़रिए से खेलें तो उसमें क्या है शर्त लगाएं तो हराम है मसलन टेनिस है वॉलीबॉल है फ़ुटबॉल है टेबल टेनिस है उसके अलावा कुश्ती है दौड़बाजी है उसके अलावा इंसान का एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करना है या एक दूसरे को धक्का देना ये सब बहुत सारे खेल हैं तो ये खेल अगर शर्त लगा कर खेले जाएँ तो ये नाजायज़ और हराम हो जाते हैं लेकिन चूँकि इन में जुए के टूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे लिहाजा अगर बग़ैर शर्त के खेले जा रहे हैं तो जायज़ हैं मगर उसमें भी शर्त ये रखी गई है कि इंसान को इनके ज़रिए से जान का ख़तरा ना हो मसलन इंसान कभी कभी साइकिल सवारी या मोटरसाइकिल की दौड़ लगाता है जायज़ है लेकिन उसमें इंसान की जान को नुकसान हो सकता है गिर गया हाथ पैर टूट जाएगा जान भी जा सकती है बाइक रेसिंग है उसके अलावा कारों की रेसिंग है उसमें भी ये है अगर टक्कर लग गई तो इंसान मर सकता है उसके अलावा कश्ती तैराना उसमें भी होता है कभी कभी जान का नुकसान हो जाता है तो इन चीज़ों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए रसुल खुदा वसल्लम जुए के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान शतरंज को, को हाथ लगा ले तो वो ऐसा है कि गोया उसने सुअर के गोश्त को हाथ लगाया है अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जुआ खेलना कितना बड़ा गुना है जो टूल्स जुए में इस्तेमाल होते हैं उनको अगर हम अपने घर में भी खेल रहे हैं मसलन बाप बच्चों के साथ खेल लेता है माँ बच्चों के साथ खेल लेती है बाप माँ बाप दोनों आपस में खेल रहे हैं वजह तफरी के लिए तो भी हराम है अगर इंसान मुक़ाबला करता है मुकाबलेबाजी मसलन जैसे यही हुआ दौड़ की मुकाबलेबाजी इसमें जुए के टूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा जो खेल हैं इसमें जुए के टूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं लेकिन शर्त भी नहीं रखी जा रही है तो शर्त नहीं रखी जा रही है तो जायज़ है लेकिन उसके अलावा भी एहतियात इंसान को करनी चाहिए क्यों इसलिए कि जब इंसान बग़ैर शर्त के खेलना शुरू करेगा फिर जब उसमें महारत हासिल कर लेगा तो फिर इंसान शर्त लगाकर भी खेलना शुरू कर देगा इसलिए कहा गया है एहतियातन एहतियात वाजिब की बिना पर इनसे भी परहेज़ करना चाहिए बग़ैर शर्त के खेलना शुरू करेगा फिर शर्त लगा कर खेलना शुरू कर देगा फिर जब शर्त लगा कर खेलने में वो पक्का हो जाएगा तो फिर जुए की तरफ आ जाएगा जुए की तरफ आएगा फिर इंसान उसको खेलना शुरू कर देगा और जाहिर सी बात है कि जुए में कितने नुकसान है कि इंसान इस जुए के जरिए से अपनी जान भी कभी कभी गंवा देता है ख़ुदकुशी कर लेता है शर्म की वजह से कि मैं सब कुछ बेच कर आया था जुआ खेलने के लिए सब कुछ हार गया शर्म की वजह से खुदकुशी कर लेता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले को कत्ल कर देता है तो ये जुए के नुकसान है इससे बचने के लिए जो मुक़दमाते हैं जुए के उनको भी मना किया गया ये भी ना करो यानी बग़ैर शर्त लगाए जो हम खेल खेल रहे थे उससे भी परहेज़ करो जिसमें जुए के आलात इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनसे भी परहेज़ करो क्यों इसलिए कि इससे जुए की तरफ जाने के रास्ते हमवार होते हैं वहाँ पर रोक दिया गया है इंसान सोच सकता है कि हम तो जुआ पहले ज़माने में जुए के अड्डे पर जाना पड़ता था लेकिन आज के ज़माने में इंसान को जुए के अड्डे पर जाने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद इंसान के हाथ में मोबाइल है मोबाइल के अंदर तमाम के तमाम गेम्स मौजूद हैं अब कुछ गेम्स इसमें ऐसे हैं कि जिसमें में गैम्बलिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं तो अलमा का फतवा यह है कि ऐसे गेम खेलना हराम है जिसमें गैम्बलिंग टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और इंसान को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे खेल ना खेल पाए कि जिसमें गेम्बलिंग टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ध्यान रखना चाहिए क्यों इसलिए कि आज वो गेम मोबाइल पर खेल रहे हैं कल वही जब उसमें पक्के हो जाएंगे तो फिर निकल कर के अड्डों पर जाना शुरू कर देंगे आज बग़ैर शर्त के खेल रहे हैं जब पक्के हो जाएंगे तो शर्त लगाकर खेलना शुरू कर देंगे ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं कि जो जुए तलक इंसान को पहुंचाती है किसी भी खेल के ज़रिए से जुए तलक पहुंचाती है इसलिए इन तमाम खेलों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इससे वक्त का ज़ियाँ होता है वक्त बर्बाद होता है दूसरी चीज ये है कि जब ऐसे खेलों से इंसान का दिमाग कमज़ोर होता चला जाता है आज के ज़माने वाले ये कहते हैं कि शतरंज और इस जैसे दूसरे बहुत से गेम हैं कि जिससे इंसान का जहन तेज़ होता है इंसान का दिमाग तेज़ होता है लेकिन मौलाई कायनात इर्शाद फरमा रहे हैं कि लहआब जहालत का समरा है फिर दूसरी जगह इर्शाद फरमाते हैं लहो लब खेल कूद खेल तमाशे ये माक़त की गज़ा हैमाकत की ा है यानी इंसान के जहन कमज़ोर पड़ता है इंसान इससे कुछ चीज़ कुछ काम करने के लायक नहीं रह जाता है इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इसको हराम करार दिया है और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो ये है हमारे लिए कि हम अगर इन खेलों में मुलिस हो जाएंगे तो कम से कम उसका नुकसान के जो बड़ा अजीम नुकसान है कि हम याद खुदा से गाफिल हो जाएंगे हम नमाज से दूर होते चले जाएंगे, हमारे दरमियान आपस में अख्तिलाफ जम जन्म लेने लगेंगे और एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की बोझ कीना पैदा हो जाएगी इसीलिए हम परिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इस गुनाह से दूर रहने की तोफ़ी कता फरमा परवरदिगारा तुझे वास्तव है शाहरदा सलाम का जितने बच्चे और हमारे जवान इस गुनाह में मुलविस हैं उनको इससे निकलने की रास्ता और हिदायत अता फरमा परवरदिगार तुझे शाहरदा मासूम का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा इमाम ज़माने के जहूर में ताजील फरमा हमें उनके आवान और अनसार मददगार में शुमार फरमा اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه